खबर दमोह के हटा से है, जहां ग्राम मडियादो सरपंच द्वारा दीनदयाल पटेल और 7 अन्य साथियों पर दर्ज FIR के विरोध में हटा SDM और हटा TI को मामले की निष्पक्ष जांच कराने का ज्ञापन सौंपा, जिसमें पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर समाज सेवी दीनदयाल पटेल एवं अन्य साथियों द्वारा पानी की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें क्षेत्रीय नेताओं एवं कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा समाज सेवियों पर FIR दर्ज की गई है, जिसकी निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत पटेल। जो मर्यादा में कृत्य हुआ है बहुत ही निंदनीय है। जो साथी इंकलाबी या जैसे करके जनता की आवाज़ उठाते हैं, इनकी आवाज़ दबाने का प्रयास किया गया है, और जो दिमाग इन्होंने FIR करवाने में लगाया है, यदि ये दिमाग ये पानी की समस्या हल कराने में लगाते तो आज उन्हें पानी मुहैया हो जाता, लेकिन इन्हें करना कुछ और है। इनका है सभी लोगों पर राज करना, और किसी के हक के लिए इनका काम नहीं है, इनकी है अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना, बस अपना काम बनता रहे, यही इनका काम है। धन्यवाद। सर, हमारी मांगे ये थी कि हम BPL के लिए आवेदन किए थे 5-6 महीने पहले सिमरिया तहसील में, तो उसमें BPL कार्ड नहीं बना था, तो हम CM हेल्पलाइन कर दिए थे। CM हेल्पलाइन जब कर दिए तो वहाँ पटवारी और तहसीलदार को पता चला कि CM हेल्पलाइन है, तो वो हमसे लगातार संपर्क किए, बोले कि OTP भेजे अपने तरफ से, तो मांगे OTP तो हम एक बार बता दिए, तो हमारी शिकायत कट गई। फिर वो पटवारी तहसीलदार ये बोले थे कि आप शिकायत एक बार कटवा दो, 10-12 दिन के अंदर अंदर हम आपका नया मतलब BPL कार्ड बनवा देंगे। तो फिर दोबारा हम जब BPL के लिए संपर्क किए तो बोले कि आप शिकायत पुनः चालू करवा दो, आपका BPL कार्ड नहीं बनेगा। फिर हमको लगातार जब इसका केंद्रीय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम वाला वो आया, डेट आ गई, तो उसमें हमारी बच्ची का नाम आ गया, तो हम तहसीलदार साहब से और मायूरी त्रिपाठी पटवारी से संपर्क किए, तो वो बोली कि आ जाओ तहसील, आ जाओ तहसील में बनवा देंगे। जब तहसील पहुँचे तो बोले कि आप CM हेल्पलाइन करते हो, तो बोले नहीं सर, CM हेल्पलाइन नहीं करते हैं, बच्ची का भविष्य का बात है, और इकलौती हमारी बच्ची है, अब पढ़ने में ठीक है, उसका केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो जाए, इसलिए आवेदन किए हैं, जैसे बन जाए हमारा BPL कार्ड।